हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी के रिलेटेड सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। होपफुली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो आज का क्लास भी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं। तो ध्यान पूरा एकदम 100% रखना है, बाकी तो समझ में आएगा। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वी नॉट इक्वल्स टू 20 meters per second। तो बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया विथ 20 meters per second फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 seconds एंड डिस्टेंस इन 3 seconds। एक ही है बेसिकली, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं है, मैं टाइम का बात कर रहा हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 seconds एंड डिस्टेंस इन 3 seconds। तो डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स ईजी है, लेकिन डिस्टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बात करेंगे हम लोग। सो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग के पास दो ही फॉर्मूला है। वन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू आईस ए एस। तो इस केस में तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी चाहिए होता है, बट इन दिस केस मुझे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 seconds। सो 3 seconds के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालने के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, अगर मुझे ये इक्वेशन यूज करना है। बट फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो आई कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ ये इक्वेशन। क्या इसमें मुझे सब कुछ पता है? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी यस पता है, 20 meters per second। टाइम यस 3 seconds पता है। एक्सीलरेशन, इट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देन टाइम तो पता ही है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की ओर है, तो नीचे कैसे समझाओ? माइनस से, इट्स माइनस जी, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सो इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू UT, U क्या है स्टूडेंट्स? 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 3 seconds प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी। सो माइनस जी का वैल्यू तो स्टूडेंट्स 9.8 होता है, तो मैं 10 पकड़ रहा हूँ जिससे कि जल्दी आंसर निकले। तो सर एग्जाम में हम लोग क्या पकड़े? तो 10 आप पकड़ सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप 9.8 ही पकड़े, है कि नहीं? क्या पता आपका टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। तो वैसे 10 पकड़ने से भी थोड़ा गलती आएगा, और थोड़ा गलती तो होता ही है सब कुछ में, तो थोड़ा गलती को गलती नहीं कहते। और बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा भी रहता है स्टूडेंट्स कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 पकड़ लेना, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम में तो 10 ही पकड़ते हैं, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम्स में 9.8 ही पकड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी जल्दी सॉल्व कर पाए इसलिए मैंने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, जी के जगह पे 9.8 ना रख के अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 लिखा, ठीक है। आप 10 ना रख के 9.8 ही रख के सॉल्व कीजिएगा। सो टी स्क्वायर यानी कि टाइम स्क्वायर, सो 3 square, ठीक है। सो इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स? 20 times 3 60 60, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 5 45, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? 15 meters, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आया 15 meters, ठीक है। अभी मुझे निकालना है स्टूडेंट्स डिस्टेंस इन 3 seconds। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझाने में, है कि नहीं? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आप लोग जब सॉल्व करेंगे आप लोग को इतना टाइम नहीं लगेगा जितना भी मुझे लगेगा समझाने में। सो डिस्टेंस इन 3 seconds स्टूडेंट, डिस्टेंस ना इसको मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अभी। तो देखिए थोड़ा मान लीजिए इन थ्री सेकेंड बॉल सिर्फ ऊपर ही उठ रहा है, 3 seconds जो है बॉल सिर्फ ऊपर की ओर ही जा रहा है। अगर ऐसा केस हुआ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन, इन दैट केस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट,
है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ सर। और अगर ये भी तो केस हो सकता है, आपको कैसे पता कि 3 सेकंड से बॉडी ऊपर उठ रहा था? ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी जाके रिटर्न आ रहा था, ठीक है ना? बॉडी जाके रिटर्न आ रहा था 3 सेकंड में, शायद ऐसा कुछ सिचुएशन हो। इन दैट केस क्लियरली आपको दिख रहा है दिस इज द डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी इजी, रिलैक्स रहना। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, यस। एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल को देखते हैं ना स्टूडेंट्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए, यस। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस क्या ये डिस्टेंस है? नहीं, दिस इज द डिस्टेंस, यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग को पता कैसे चलेगा कि 3 सेकंड तक बॉडी सिर्फ ऊपर की ओर जाता रहा या ऊपर जाके रिटर्न आ रहा, ऐसा सिचुएशन है या ऐसा सिचुएशन है? तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। ऊपर मतलब मैक्सिमम हाइट, ठीक है? सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये पार्ट भी थोड़ा रफ करके रख देता हूं, ये पार्ट भी रफ करके रख देता हूं, और याद रख लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरा, 15 मीटर इन 3 सेकंड, ठीक है? सो ये याद रख लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट आया 15 मीटर। आप लोगों को उतार लेना है, ठीक है? ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है? टॉप में जाके पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या यूज करेंगे, कौन सा रिलेशन, टाइम निकालना है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, जीरो। ऐसे जाते 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 ऐसे वेलोसिटी कमता है कमता है कमता है कमता है कमता है कमता है, रुक गया। तो जहां पे जाके रुका वही तो मैक्सिमम हाइट हुआ ना, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ध्यान देना है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। सो वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहां पे देखिए, सो दिस इज द बॉल, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स। तो मान लेते ये है मैक्सिमम हाइट, सो लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, ये क्या है मैक्सिमम हाइट। तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। सो हम लोग इक्वेशन कहां से कहां यूज कर रहे हैं, ए से बी, दिस इज द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज प्रोजेक्टेड एंड द फाइनल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है? सो फ्रॉम ए टू बी फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, इट इज वेलोसिटी एट बी, जीरो। रुक चुका है ना बॉल जाके, अभी रिटर्न आएगा अगर ये मैक्सिमम हाइट हुआ तो। देन इट इज इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 20, एक्सीलरेशन -10, एक ही जगह पे -10, मैक्सिमम हाइट का टाइम निकालना है हम लोग को। तो क्या है स्टूडेंट्स, 10t = 20, मतलब t = 2 सेकेंड। ध्यान नहीं देंगे मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब 3 सेकेंड में तो ये घूम के आ रहा होगा, यस और नो? समझ में आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा सोचिए। अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा 2 सेकेंड तो 3 सेकेंड में वो ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। मैक्सिमम हाइट में तो पहुंचने में 2 सेकेंड लगा, तो इसके बाद अभी क्या है, नेक्स्ट 1 सेकेंड तो अभी आ रहा होगा, यस और नो? यस। तो अभी आप बोलिए कौन सा केस है, आफ्टर 3 सेकेंड ऊपर जा रहा है ऐसा केस होगा या नीचे आ रहा है ऐसा केस होगा? नीचे आ रहा है ऐसा केस होगा, यस और नो? यस सर, क्लियर हो गया, ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 2 सेकंड पता कर लिया,
उससे हम लोग का ये चीज क्लियर हो गया कि 3 सेकेंड बाद तो ये तो आ रहा होगा, यस और नो। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है केस। अभी इसको रब कर लेता हूं, समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया, आ गया सर। अच्छा तो बॉल तो 3 सेकेंड के बाद यहां पे होगा, ये गया 2 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में तो नीचे आ रहा होगा, यस और नो। समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड कितना आया था, 15 मीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। मतलब हम लोगों ने अभी तक ये निकाला, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, एक्चुअली तो इसी पाथ से आ रहा है, लेकिन हम लोगों को क्लियरली समझ में आया और थोड़ा दिखे इसलिए मैं थोड़ा साइड कर दिया। सो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये कितना आया स्टूडेंट्स, 15 मीटर आया। क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस इन 3 सेकेंड आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो ये वाला है, ये वाला है, यस और नो। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं S1 और इसका नाम दे देते हैं S2। तो अगर मैं आपको अभी पूछूं डिस्टेंस क्या होगा बेटा, तुम बोलोगे सर S1 + S2, समझ में आ गया, यस और नो, यस, S1 + S2। तो S1 निकालते हैं, उसके बाद S2 देखते हैं क्या करेंगे। सो S1 कैसे निकालेंगे, S1 कैसे निकालेंगे, इट इज मैक्सिमम हाइट, इट इज मैक्सिमम हाइट, यस और नो, यस यस। थोड़ा दिमाग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। व्हाट इज S1, इट्स मैक्सिमम हाइट, निकाल सकते हैं कि नहीं, यस सर, क्यों नहीं निकाल सकते। सो देखिए, सो S1 इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, S1 इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज कर सकते हैं, या V² equals to U² plus 2IC(S) भी use कर सकते हैं, या S equals to UT plus half of AT² भी use कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे देखना है। सो यहां से यहां तक S1 कैसे निकालेंगे, V² equals to U² plus 2IC(S), यहां से यहां तक, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जाते जाते वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 20। 20² प्लस एक्सीलरेशन माइनस जी, सो इट्स -10। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट S1, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इम्प्लाइज ये हो गया, इसको उधर लेके आ जाते हैं, सो 20 S1 = 20² इसका मतलब S1 कितना आया, 20 मीटर, यस और नो। आप बोलेंगे सर आपने बोला S = UT + ½ of AT² से निकाला जा सकता है, एक बार निकालिए, ठीक है, सिखा रहा हूं तो निकालना चाहिए मुझे और एक मेथड से। सो S = UT + ½ of AT² कहां से कहा, यहां से यहां, यहां से यहां, सो S = UT + ½ of AT² इनिशियल वेलोसिटी 20, यहां से यहां तक का टाइम वो तो अभी अभी निकाला हुआ है 2 सेकेंड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब यहां से यहां 2 + ½ of acceleration - 10 टाइम 2² तो क्या आया 40, यस और नो, 40। यहां पे क्या होगा, 2² = 4, 2² = 4, अच्छा यार एक एक टू कैंसिल, ठीक है, सो 10 × 2 = 20, तो कितना आया 20 मीटर ही तो आया, यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉन्सेप्ट अगर सही हो, कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक निकाल लिया S1, कितना आया S1, S1 आया 20। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो S1 + S1 + S2, डिस्टेंस क्या है, S1 + S2, यस और नो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, या डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, लैंग्वेज थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू S1 + S2, S1 कितना 20, S2 कितना दिखी तो रहा, ये 20, ये 15, तो ये कितना 20 - 15, 20 - 15, दिस इज 20, दिस इज 15, तो ये कितना है
20 माइनस 15 इट इज 5. सो डिस्टेंस इज 25 मीटर. डिस्टेंस इज 25 मीटर. बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. थोड़ा टाइम अगर ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर समझ में आ गया तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग और बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A rocket starts from rest and accelerates upward with acceleration 2g. ठीक है, accelerates upward बोल दिया ना, with 2g. तो students समझना है, ध्यान देना है. For example, this is ground. एंड दिस इज माई रॉकेट. सर रॉकेट देखने में बॉल जैसा होता है क्या? ऑब्वियसली रॉकेट का कुछ बोला नहीं, तो रॉकेट को तो मैं बॉल क्या पॉइंट ही लूंगा ना. ठीक है, सो रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स अपवर्ड्स विद 2g. ठीक है, सो रॉकेट जो है रेस्ट से शुरू किया और ऊपर की ओर जाना शुरू किया और ऑब्वियसली ऊपर की ओर ही जाएगा सर रॉकेट. रॉकेट नीचे की ओर जाएगा क्या? और एक्सीलरेशन क्या था? 2g. अरे रॉकेट का खुद का इंजन होता है कि नहीं? ठीक है, रॉकेट अपना इंजन शुरू करके जा रहा है स्टूडेंट्स. रॉकेट को आप प्रोजेक्ट कर देंगे क्या? ऐसे उड़ा के मार देंगे? सो रॉकेट अपना इंजन शुरू करके जा रहा है और उसका इंजन का एक्सीलरेशन है 2g ऊपर की ओर. समझ में आया? आया. A rocket starts from rest and accelerates upward with acceleration 2g. ठीक है, ये खुद का acceleration है, खुद का engine का acceleration. तो obviously धीरे धीरे acceleration की वजह से velocity बढ़ रहा है. वैसे यहां पे तो velocity क्या है? 0 है, क्योंकि rocket starts from rest. ठीक है, तो velocity बढ़ते, जब velocity हो गया v0. जब वेलोसिटी क्या हो गया? वी नॉट. व्हेन वेलोसिटी बिकम्स वी नॉट या व्हेन वेलोसिटी रीचेस वी नॉट, द इंजन इज स्विच्ड ऑफ. अच्छा, तो यहां पे जो है स्विच ऑफ कर दिया गया इंजन को. ठीक है, तो आपको क्या लगता है अभी गिर जाएगा रॉकेट नीचे? यहीं से गिर जाएगा? नहीं, कैसे यहां से गिर जाएगा? ये वेलोसिटी बढ़ते क्या हो गया यहाँ पे? वी नॉट. अभी स्विच ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ कर दिया मतलब यहाँ पे तो ऊपर की ओर वेलोसिटी है ना. जब स्विच ऑफ किया तब उसका वेलोसिटी क्या था? 0 था क्या? नहीं. अगर 0 होता तो यहीं से रिटर्न आता. जब स्विच ऑफ किया इंजन, जब स्विच ऑफ किया तब वेलोसिटी क्या था? वी नॉट. वी नॉट, तो वो ऊपर जाता रहेगा उसके बाद. इंजन के वजह से नहीं, अभी होगा मोशन अंडर ग्रेविटी. और ये वो पॉइंट तक जाता रहेगा जब वेलोसिटी कितना हो जाए? 0. ठीक है, तो लास्ट टाइम बोलूंगा ध्यान से, यहां से यहां तक रॉकेट का इंजन ऑन था. यहां से रॉकेट ने अपना इंजन शुरू किया, यहां पे वेलोसिटी था 0, ऊपर की ओर एक्सीलरेशन था 2g. किसके लिए? रॉकेट का खुद का इंजन के लिए. ठीक है, ऊपर जाता रहा, वेलोसिटी बढ़ता रहा. जैसे यहां पे आया वेलोसिटी क्या हुआ? v0. जब वेलोसिटी v0 रीच हुआ, जब वेलोसिटी बढ़ते v0 हो गया, तब स्विच ऑफ कर दिया इंजन, स्विच ऑफ कर दिया. अभी इंजन अगर स्विच ऑफ कर देगा तब क्या उसका वेलोसिटी 0 था? ना. अगर वेलोसिटी जीरो होता तो वहीं से रिटर्न आता, लेकिन तब वेलोसिटी तो v0 था. तो बिकॉज ऑफ दिस v0 एट दिस पॉइंट स्विच ऑफ करने के बावजूद ये थोड़ा ऊपर जाएगा. अभी उस पे यहां से शुरू होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. समझ में नहीं आया? आना पड़ेगा. तो यहां के बाद स्विच ऑफ है ना, तो स्विच ऑफ है मतलब कि अभी वो ग्रेविटी के अंदर है.
तो यहां से शुरू होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ए से बी इट इज नॉट मोशन अंडर ग्रेविटी. ए से बी इंजन ने मूव करवाया, ठीक है. बी से सी इंजन ऑफ, नाउ इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. सो वी नॉट से अभी कमते 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 क्या हो जाएगा, फाइनली फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट, मतलब दिस निकालना है यहां से यहां तक. ठीक है, सो लेट दिस बी एस वन एंड लेट दिस बी एस टू. ठीक है, एस वन निकाल लेते हैं, एस टू निकाल लेते हैं, एस वन प्लस एस टू कर देंगे, आ गया मैक्सिमम हाइट. ठीक है, सो ध्यान दीजिए. तो पहले ए से बी कंसेंट्रेट, फ्रॉम ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट. सो वी नो इनिशियल वेलोसिटी, वी नो फाइनल वेलोसिटी, वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, इट इज अपवर्ड. कितना, 2g. सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी होता है. अरे यहां से यहां तक तो रॉकेट का खुद का इंजिन का एक्सीलरेशन है, यहां से यहां तक रॉकेट का खुद का इंजिन का एक्सीलरेशन है 2g ऊपर की ओर, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. समझ में आया, यहां से यहां तक मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. सो फ्रॉम ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, एक्सीलरेशन पता है, तो क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ias. a टू b मतलब दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल. फाइनल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर, द रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेशन 2ig गिवन इन द क्वेश्चन, दिस एक्सीलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इंजन. यस, किसका इंजन, रॉकेट का इंजन. यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट S1, so implies S1 कितना आया, it's V0 square by 4G. कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी मुझे निकालना है फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी नाउ इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. अभी इंजिन स्विच ऑफ है, इंजिन स्विच ऑफ है, अभी सिर्फ ग्रेविटी के वजह से मूव कर रहा है, या ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ऐसे. ठीक है, सो फ्रॉम बी टू सी मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. सो इफ अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस जी. ठीक है, फ्रॉम बी टू सी उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटी एक्ट करने से उस पर एक्सीलरेशन आता है जी. अभी प्लस होगा ना माइनस होगा वो डिपेंड करता है आपने कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लिया. मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया ऊपर की ओर, तो एक्सीलरेशन हो गया माइनस जी. सो फ्रॉम बी टू सी इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. From B to C, from B to C मतलब B becomes initial point and C becomes final point. ठीक है, S2 निकालना है. क्या मुझे initial velocity पता है, V not. क्या मुझे final velocity पता है, हाँ maximum height पूछा मतलब क्या, last में जाके तो रुकने वाला है, last में जाके तो रुकने वाला है. ठीक है, और acceleration yes पता है, it's minus G. Next concentrate. From B to C, V square equals to U square plus 2I say S. फाइनल वेलोसिटी इट इज वेलोसिटी एट सी, बी टू सी यहां पे जाके रुक गया तो जीरो. इनिशियल वेलोसिटी बी टू सी, बी टू सी मतलब इनिशियल पॉइंट इज बी, तो यहां पे वेलोसिटी क्या था, वी नॉट स्क्वायर प्लस एक्सीलरेशन, सॉरी टू आईस ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज माइनस जी. डिस्प्लेसमेंट बी से सी, डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया मैंने एस टू, सो इंप्लाइज एस टू क्या आया, S2 क्या आया, 2G S2 equals to V0 square, तो S2 क्या होगा, V0 square by 2G. इसका मतलब maximum height क्या होगा students, maximum height equals to S1 plus S2 equals to V0 square by 4G plus V0 square by 2G. ठीक है, उसके बाद V नॉट स्क्वायर बाई जी को कॉमन लेके जो करना है कीजिए आप लोग. ठीक है, हुआ, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम. तो यहां से इंजन शुरू हुआ था
टू जी एक्सीलरेशन ऊपर की ओर इन स्पीड बढ़ रहा है, 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 बी नॉट, बढ़ते बढ़ते कितना हुआ बी नॉट, अभी मार दी इंजन ऑफ कर दिया, अभी बी नॉट ऊपर की ओर है तो नीचे तो नहीं आ सकता, तो यहाँ से थोड़ा अभी स्पीड कमेगा। क्यों स्पीड कमेगा सर? अभी क्योंकि अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, स्विच ऑफ कर दिया, तो कौन एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे एक्ट करता है? नीचे, इसलिए स्पीड कमना शुरू होगा, कमते 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 जीरो हो गया, अभी वो नीचे आना शुरू होगा। तो मुझे तो नीचे आने के बारे में अभी कुछ करना नहीं है, मुझे मैक्सिमम हाइट पूछा, समझ में आया? वेरी इजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सो ये भी इजी है। ए स्टोन इज रिलीज्ड, ध्यान से, एकदम ध्यान से, शांत होके, ए स्टोन इज रिलीज्ड आफ्टर टू सेकेंड, आफ्टर टू सेकेंड अनदर स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम सेम पॉइंट, अनदर स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। तो एकदम धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं, एक स्टोन छोड़ा, उसके बाद दो सेकेंड बाद और एक स्टोन छोड़ा उसी पॉइंट से। A stone is released after 2 seconds. Another stone is released from same point. ठीक है? What is the separation between the stones after 1 second of releasing second stone? Tension नहीं लेना है, क्वेश्चन को एक दो बार देखिए ध्यान से। What is the separation between the stones After 1 second of releasing second stone, मतलब second stone छोड़ने के 1 second के बाद, second stone के छोड़ने के 1 second बाद, वो पहला stone और second stone के बीच का separation क्या होगा वो निकालना है। तो मैं एक बार last time question बोलूंगा, ध्यान से सुनना है। पहला stone छोड़ा, 2 second के बाद नेक्स्ट स्टोन छोड़ा, उसके 1 second बाद, सेकेंड स्टोन छोड़ने के 1 second बाद, दो स्टोन के बीच का सेपरेशन क्या होगा? तो पहला स्टोन कितना टाइम से हवा में है? 3 second। पहला स्टोन कितना टाइम तक हवा में है? 3 second। पहले आपने स्टोन छोड़ा, उसके बाद 2 second के बाद सेकेंड स्टोन छोड़ा, उसके 1 second बाद आप निकालेंगे, तो पहला स्टोन कितना टाइम तक हवा में है? 3 second। सो ध्यान से। सो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां से मैं स्टोन को रिलीज कर रहा हूं, ध्यान से स्टूडेंट्स। सो ये मान लेते हैं पहला स्टोन जो यहां से यहां तक आया इन 3 second, ठीक है, मान लेते ये पहला स्टोन जो यहां से यहां तक आया इन 3 second, और ये मान लेते हैं सेकेंड स्टोन जो यहां से यहां तक आया इन 1 second, ठीक है ना। तो पहला स्टोन छोड़ा, उसके बाद 2 second गया, उसके बाद सेकेंड स्टोन छोड़ा, उसके 1 second बाद, सेकेंड स्टोन छोड़ने के 1 second बाद मुझे देखना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, ठीक है। तो ये तो 3 second हो गया हवा में, 2 second के बाद आपने सेकेंड स्टोन छोड़ा तो 2, और सेकेंड स्टोन छोड़ने के 1 second बाद देख रहे हो तो कितना हुआ? 3, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोन एंड दिस इज द सेकेंड स्टोन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोन कितना देर तक मूव किया? 3 second, और सेकेंड स्टोन कितना देर तक मूव किया? 1 second, और दोनों के बीच का क्या चाहिए आपको? सेपरेशन। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्टोन्स? तो मुझे ये चाहिए बेसिकली, सेपरेशन, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये वाला निकाल लेंगे S1, और ये वाला निकाल लेंगे S2, S1 से S2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये वाला। सो दिस इज बेसिकली S1 माइनस
एस टू, एस वन निकालते हैं पहले, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्या यूज करेंगे, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। सो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एक्सीलेशन हो जाएगा प्लस जी, तो एस वन इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ठीक है, पहले स्टोन के लिए, पहले स्टोन के लिए, ठीक है। सो ध्यान से स्टूडेंट्स, पहला स्टोन के लिए, तो पहला स्टोन हो या दूसरा स्टोन हो, बोथ आर रिलीज्ड, रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना, जीरो, सो जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी इज जीरो, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, जी मतलब टेन, ठीक है, टी स्क्वायर, तो कितना देर तक था ये हवा में, थ्री सेकेंड। आपको जब सेपरेशन निकालना है, आपको ये जमीन पे नहीं पहुंचा शायद अभी तक, शायद क्या नहीं पहुंचा, तो आपको जब सेपरेशन निकालना है तब वो कितना देर तक हवा में है, थ्री सेकेंड, थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, ठीक है। सो इंप्लाइज एस वन कितना आया, फाइव, फाइव मल्टीप्लाइड बाय नाइन, 45 मीटर, ठीक है ना, 45 मीटर। अभी सेकेंड स्टोन के लिए देखते हैं, सेकेंड स्टोन आपको जब सेपरेशन निकालने बोला तब सेकेंड स्टोन कितना देर तक हवा में है, वन सेकेंड। सो एस टू इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, सेकेंड स्टोन एंड फर्स्ट स्टोन बोथ आर रिलीज्ड, बोथ आर रिलीज्ड, बोथ आर रिलीज्ड, तो रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, आपने जस्ट छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, आपने जब छोड़ा, जब छोड़ा, जब रिलीज किया, जब ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यू जीरो, तो यू मल्टीप्लाइड बाई टी जीरो, प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन तो टेन, एक्सीलरेशन इज जी, टी स्क्वायर, सेकेंड स्टोन कितना देर तक हवा में था, वन सेकेंड, सो वन स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, फाइव मीटर, तो इसका आया कितना, 45 मीटर, पहले वाले स्टोन का आया 45 मीटर और सेकेंड वाले स्टोन का आया 5 मीटर, तो सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन कितना होगा, तब सेपरेशन कितना होगा, इट्स 45 माइनस 5, इट इज इक्वल्स टू 40 मीटर। कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं किया कि मैंने, सही है, सही है, क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए हॉट एयर बैलून स्टार्ट्स राइजिंग अप विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हॉट एयर बैलून समझ में आता है ना, जो बड़ा सा बैलून होता है कुछ ऐसा, कि नहीं, यहाँ पे बैठ के चाहो तो आप भी उड़ सकते हो इसके साथ, है कि नहीं, इसका खुद का इंजन भी होता है, तो दिस इज हॉट एयर बैलून। आगे बढ़ते हैं, ए हॉट एयर बैलून स्टार्ट्स राइजिंग अप विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सो लेट दिस बी द ग्राउंड, ठीक है, सो यहां से मैं हॉट एयर बैलून को तो पूरा बैलून ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, एक पॉइंट ही दिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू किया, ठीक है, विथ 10 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब देयर इज नो एक्सीलरेशन, देयर इज नो एक्सीलरेशन, ठीक है। आफ्टर 1.5 सेकेंड ए पैकेट इज रिलीज्ड, आफ्टर 1.5 सेकेंड ए पैकेट इज रिलीज्ड, तो स्टूडेंट्स 1.5 सेकेंड्स मान लेते यहां तक आ गया, ठीक है, 1.5 सेकेंड्स तक मान लेते यहां तक आ गया, ध्यान देना है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देते रहना है, ठीक है। सो 10 मीटर पर सेकेंड से हॉट एयर बैलून ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है,
1.5 सेकेंड कवर करने के बाद उसने एक पैकेट छोड़ा, तो 1.5 सेकेंड तक मान लेते ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां से क्या हुआ, एक पैकेट छोड़ा, ध्यान से स्टूडेंट्स, तो पैकेट तो हॉट एयर बैलून पे ही है, हाँ या ना, तो हॉट एयर बैलून का स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हॉट एयर बैलून के हर एक पार्ट, हर एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अगर कोई आदमी है, कोई भी पार्ट है, कोई भी पैकेट हो, कुछ भी हो, हर एक का स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद किसी और जा रहे हो विथ 10 मीटर पर सेकेंड, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, तो आपका स्पीड मतलब क्या, अगर मैं कहता हूं कि मेरा स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? अगर मैं अगर कहता हूं कि मेरा स्पीड है फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि मेरा किडनी का स्पीड अलग होगा क्या, मेरा लीवर का स्पीड अलग होगा क्या, मेरा हार्ट का स्पीड अलग होगा क्या? नहीं, हर एक का स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, लाइक दैट। तो अगर हॉट एयर बैलून अगर ऊपर की ओर राइज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके अंदर का हर एक ऑब्जेक्ट, वो पैकेट हो, क्या हो, नहीं हो, कुछ भी हो, उसका हर एक पार्ट, उसका हर एक मतलब उसके अंदर जो भी है, सब कुछ का स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, सो यहां से यहां तक जा रहा है हॉट एयर बैलून जा रहा है, कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है। तो 1.5 सेकेंड कवर करने के बाद, यहां से यहां तक मान लेते 1.5 सेकेंड लगा, एक पैकेट रिलीज किया, रिलीज, तो आपको क्या लगता है पैकेट डायरेक्ट नीचे आएगा? चल लगता तो यही है, नहीं, डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, ऊपर की ओर था ना वेलोसिटी, कितना था ऊपर की ओर, 10 मीटर पर सेकेंड, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। तो जब आप अगर ऐसे पैकेट को रिलीज कर देंगे, तो जब आप रिलीज कर रहे हो, आप कहां पे हो, हॉट एयर बैलून पे हो, वहां से पैकेट को अगर रिलीज करते हो, जब रिलीज कर रहे हो तब हॉट एयर बैलून का ऊपर की ओर स्पीड क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हॉट एयर बैलून का अगर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो आपके हाथ में जो पैकेट है उसका स्पीड क्या है ऊपर की ओर, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर है, लेकिन आपने छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ दिया, ऊपर की ओर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, नाउ इट इज अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, अभी ये मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में आ गया, क्योंकि आपने उसको हॉट एयर बैलून से रिलीज कर दिया, लेकिन जब आपने रिलीज किया तब ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या था उसका, 10 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ उसका नहीं, आपका बैलून का हर एक चीज का ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या था तब, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो द मोमेंट आई रिलीज द पैकेट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट हॉट एयर बैलून, और उसका स्पीड ऊपर की ओर क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा स्पीड क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, तो पैकेट का स्पीड क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, अभी जैसे मैंने रिलीज कर दिया, नाउ इट इज अ केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, स्पीड कमते जीरो होगा, उसके बाद नीचे आके गिरेगा पैकेट, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, डायरेक्ट नीचे कब गिरता, अगर उसका स्पीड जीरो होता, वो अगर रेस्ट पे होता, जब उसको छोड़ा वो रेस्ट पे था क्या, नहीं, वो ऊपर की ओर जा रहा था विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो अभी ये ऊपर जाएगा, उसका स्पीड धीरे धीरे कमते यहां पे तो 10 मीटर पर सेकेंड, जब पैकेट इज रिलीज्ड, ठीक है। सो यहां से 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड बिकम जीरो, उसके बाद रिटर्न आ रहा है पैकेट ग्राउंड की ओर, कोई प्रॉब्लम। सो ये है पैकेट का इनिशियल पॉइंट और ये है पैकेट का फाइनल पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम दिस इंस्टेंट, मतलब जब से पैकेट छोड़ा, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम दिस इंस्टेंट द पैकेट रीचेस द ग्राउंड, मतलब यहां से पैकेट ने जो ये पाथ कवर किया, इस दौरान टाइम कितना लगा, यहां से पैकेट जो यहां तक जाके पहुंचा उसमें टाइम कितना लगा, दिस इज द मोमेंट व्हेन पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉट एयर बैलून, 1.5 सेकेंड के बाद पैकेट रिलीज किया, 1.5 सेकेंड में कितना उड़ गया होगा स्टूडेंट्स, यस, एक्सीलरेशन तो नहीं था हॉट एयर बैलून में,
यहां से यहां तक कितना 1.5 सेकंड, तो यहां से यहां तक कितना कवर करेगा स्टूडेंट्स? अगर एक्सीलरेशन नहीं होता है, या आप बोल सकते हो अगर स्पीड कांस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यस, तो स्पीड क्या है 10 और टाइम क्या है? टाइम क्या है 1.5 सेकंड। 1.5 मतलब 15 बाय 10, 10 10 कैंसिल, इट इज 15 मीटर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कांस्टेंट स्पीड से उठ रहा था ना, तो कांस्टेंट स्पीड होने से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यस और नो? ऐसे भी तो समझ में आता है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इफ स्पीड इज कांस्टेंट दैट मींस एक्सीलरेशन इज जीरो। इफ एक्सीलरेशन इज जीरो, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया? यस। तो लास्ट टाइम बोलूंगा, हॉट एयर बैलून 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से ऊपर उठ रहा था 1.5 सेकंड के बाद उसने पैकेट रिलीज किया, लेकिन 1.5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्पीड इनटू टाइम 15 मीटर। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, 1.5 सेकंड के बाद पैकेट रिलीज किया बोल सकते हो, या अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हो कि 15 मीटर ऊपर के और कवर करने के बाद उसने पैकेट रिलीज किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे क्या निकालना है? जब पैकेट रिलीज किया और पैकेट जाके ग्राउंड पे पहुंचा, उसमें टाइम कितना लगा? ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स? कौन सा यूज करेंगे? यहां से यहां तक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस द इनिशियल पॉइंट फॉर द पैकेट, दिस द फाइनल पॉइंट फॉर द पैकेट। यहां से यहां तक क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट पता है, यही तो है ना डिस्प्लेसमेंट। दिस द इनिशियल पॉइंट, दिस द फाइनल पॉइंट, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यस, तो यहां से यहां तक कितना है? वो तो पहले से निकाला हुआ है, 15 मीटर है। सो वी नो द डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, वी नो द डिस्प्लेसमेंट। यस, इट इज 15 मीटर टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां पे पैकेट को रिलीज कर दिया, सो आफ्टर रिलीजिंग इट इज अ केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जी। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं सर अपवर्ड डायरेक्शन लीजिए, तो जो मर्जी वो ले सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। सो एक्सीलरेशन क्या आएगा? माइनस जी। ठीक है, देखते हैं एकदम धीरे धीरे, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, यहां से यहां तक अप्लाई करूंगा। आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, दिस ए एंड दिस इज बी। सो फ्रॉम ए टू बी क्या चाहिए मुझे? टाइम। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है ए से बी तक का, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, तो डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, कौन सा इक्वेशन यूज करें? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आप लोग प्लीज एक बार दूसरा इक्वेशन भी चेक कीजिए, दूसरा इक्वेशन से भी करने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तब और अच्छा लगेगा कि ये इक्वेशन क्यों यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बोलेंगे सर मैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू आई से एस यूज करना चाहता हूं, इसमें टाइम ही नहीं है मुझे तो, ये टाइम इसमें टाइम ही नहीं है। मैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करना चाहता हूं, इसमें टाइम है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी पता है आपको? पैकेट जाके ग्राउंड को कितना वेलोसिटी से हिट करेगा आपको पता है? नहीं पता। ठीक है, सो धीरे धीरे स्टूडेंट्स, आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ठीक है टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया। यस, तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ? नीचे। इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ? नीचे। कितना? 15 तो नहीं लिख सकते, माइनस 15 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्यों? डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ? नीचे। और आपने तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया ना, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ? नीचे। तो नीचे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन माइनस है, अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो नीचे का डायरेक्शन माइनस है। क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब पैकेट को रिलीज किया गया, पैकेट कहां पे था? पैकेट बैलून पे था, बैलून का तब वेलोसिटी क्या था? 10। तो पैकेट का क्या था? 10। किस ओर है वेलोसिटी? ऊपर।
तो ऊपर का डायरेक्शन तो आपने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट टी, टी तो निकालना है, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन, इट्स माइनस टेन, ठीक है, टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा काटते हैं, टू फाइव आर टेन, उसके बाद 15 है, 10 है, 5 है, तो और एक बार काट देते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। सो इम्प्लाइज यहाँ पे तो माइनस रह गया, तो माइनस टी स्क्वायर इसको लेके आ जाते, हो गया टी स्क्वायर, यहाँ पे है 2t, 2t को भी इसको लेके आ जाते, तो हो गया माइनस टू आइस टी, यहाँ पे माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप टी ऑब्वियसली निकाल सकते हो, ठीक है, मैं भी निकालता हूँ, क्या होगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होने से आप इससे और फास्ट निकाल सकते हो, मुझे पता है, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू आइस ए। ठीक है, तो यहाँ से टी क्या होगा, माइनस बी, तो बी इज माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस बी क्या होगा, इट इज टू, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज फोर, माइनस फोर ए सी, तो फोर इज वन, सी इज माइनस थ्री बाय टू आइस ए, ए इज वन, तो टू मल्टीप्लाइड बाई वन इज टू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टी निकालते हैं, टू प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, फोर थ्री इज आर ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, रूट ओवर 16 इज 4 बाय 2, तो एक बार प्लस 4 के लिए हम लोग टी वन ले लेते हैं, सो प्लस 4 अगर लेंगे, 4 प्लस 2 इज 6 बाय 2, 3 सेकेंड, और माइनस 4 अगर लेंगे तो टी टू लिख लेता हूँ, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, माइनस 2 बाय 2 इज माइनस 1, टाइम तो स्टूडेंट माइनस में नहीं हो सकता, टाइम तो माइनस नहीं हो सकता, सो माइनस 1 सेकेंड को नेग्लेक्ट कर देंगे, सो आंसर इज 3 सेकेंड। यहां से यहां पे आके पहुंचते पहुंचते कितना टाइम जाएगा, 3 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉम ए टैप वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल, तो एक ट्रेड एक टैप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सो दिस इज अवर टैप जिसमें से पानी का ड्रॉप रेगुलर इंटरवल में निकल रहा है, मतलब एक ड्रॉप निकला, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एक ड्रॉप निकला, उसके एक सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप, उसके एक सेकंड के बाद तीसरा ड्रॉप, उसके एक सेकंड के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, समझ में आ रहा है ना, रेगुलर इंटरवल्स में ड्रॉप्स निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाइट ऑफ टैप इज 125 मीटर, अच्छा, सो मान लेते हैं ये है ग्राउंड, ठीक है, सो टैप का जो हाइट है वो क्या है, 125 मीटर, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज एट फ्लोर, सिक्स्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, अच्छा, पहला ड्रॉप जाके जब यहाँ पे टच कर रहा था, या पहला ड्रॉप जब जाके हिट कर रहा था, तब यहां से सिक्स ड्रॉप निकल रहा था, सो दिस इज फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, एंड दिस इज सिक्स्थ ड्रॉप, ठीक है, सो व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज एट फ्लोर, सिक्स्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, जब फर्स्ट ड्रॉप जाके ग्राउंड को हिट कर रहा था, तब यहां पे टैप से कौन सा वाला ड्रॉप निकल रहा था, सिक्स्थ ड्रॉप। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स, मतलब कौन से टाइम के बाद बाद ड्रॉप्स निकल रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक सेकेंड बाद बाद ड्रॉप निकल रहा है, एक सेकेंड के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, एक सेकेंड के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, एक सेकेंड के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, तो वही मुझे निकालने बोला, तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया था, वन सेकेंड,
आंसर इज नॉट वन सेकेंड, देखते हैं. सो व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स, लेट द इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स बी टी नॉट. टी नॉट दे देते हैं नाम, मतलब पहला ड्रॉप निकला उसके टी नॉट के बाद टी नॉट टाइम के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, नेक्स्ट टी नॉट के बाद नेक्स्ट ड्रॉप. ऐसे थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है. सो यहां पे लिख लेता हूं टाइम और ये है ड्रॉप नंबर, ठीक है, ड्रॉप नंबर, ठीक है. सो फास्ट ड्रॉप, फास्ट ड्रॉप कब निकलेगा, टाइम जीरो, तभी से हम लोग टाइम देखना शुरू करेंगे. तो जब फर्स्ट ड्रॉप निकल रहा था टाइम क्या है, जीरो. सेकेंड ड्रॉप टी नॉट टाइम के बाद, थर्ड ड्रॉप और टी नॉट, तो और एक टी नॉट गया तो अभी टाइम क्या हुआ, ट्वाइस टी नॉट, समझ में आ रहा है. फोर्थ ड्रॉप और एक टी नॉट मतलब थ्राइस टी नॉट. फिफ्थ ड्रॉप और एक टी नॉट मतलब फोर्थ टीन फोर टी नॉट, ठीक है ना, ये क्लियर है कि नहीं. फर्स्ट ड्रॉप कब निकला, एट टाइम जीरो. सेकेंड ड्रॉप एक टी नॉट के बाद. थर्ड ड्रॉप और एक टी नॉट, तो और एक टी नॉट मतलब कितना, ट्वाइस टी नॉट. तो स्टूडेंट्स सिक्स्थ ड्रॉप कितना टाइम के बाद निकलेगा, फाइव टी नॉट, फाइव टी नॉट, ठीक है. तो यहां पे तो मैंने लिख लिया पूरा, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, आपको सोच के निकाल लेना है ऐसे कि सेकेंड ड्रॉप टी नॉट के बाद, थर्ड ड्रॉप ट्वाइस टी नॉट के बाद. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यहां पे एक पैटर्न मिल रहा है आपको. थर्ड ड्रॉप ट्वाइस टी नॉट, फोर्थ ड्रॉप थ्री टी नॉट, तो सिक्स ड्रॉप कब होगा, फाइव टी नॉट. या मैं अगर ऐसे पूछ लू टेंथ ड्रॉप कब निकलेगा, नाइन टी नॉट. फिफ्टीथ ड्रॉप कब निकलेगा, फोर्टी नाइन्थ टी नॉट. समझ में आया, आया स्टूडेंट्स, आया. तो हम लोग का यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है. तो सिक्स ड्रॉप जब निकल रहा था तब टाइम क्या हुआ, फाइव टी नॉट. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब पहला ड्रॉप जाके जमीन को हिट करने वाला था या जमीन को जब हिट किया, यहां से सिक्स ड्रॉप निकला. और सिक्स ड्रॉप कब निकलता है, फाइव टी नॉट. इसका मतलब पहला ड्रॉप कितना टाइम से यहां से यहां तक जाने में, पहला ड्रॉप को कितना टाइम लगा, 50 नॉट. यस और नो? यहां पे ऑब्वियसली बाकी ड्रॉप्स भी है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, फिफ्थ ड्रॉप है, बट यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है. रिलैक्स रिलैक्स. पहला ड्रॉप जाके जब जमीन को हीट कर रहा था, यहां से सिक्स्थ ड्रॉप निकल रहा था, और अभी अभी हम लोगों ने दिमाग लगा के निकाला कि सिक्स्थ ड्रॉप जब निकल रहा था तब तक कितना ड्यूरेशन जा चुका है, 5 टी नॉट. इसका मतलब ये कितना देर तक, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 5 टी नॉट. क्योंकि यहां से 6th ड्रॉप निकल रहा है, इसका मतलब अभी तक क्या ड्यूरेशन गया है, 5 टी नॉट. इसका मतलब ये यहां से यहां तक जाने में इसको 5 टी नॉट लगा हुआ है. यस, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो स्टूडेंट्स हम लोग को टी नॉट निकालना है, दैट इज इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स, ठीक है. तो अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है, इट्स 125 मीटर. यस, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है, इट्स 125 मीटर, व्हिच इज बेसिकली हाइट ऑफ द टैप. तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो. टैप से ड्रॉप निकल रहा है, तो ड्रॉप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है कि नहीं. ड्रॉप कहां से निकल रहा है, टैप से. यस, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं. तो हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. कहां से कहां तक, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b. सो वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फ्रॉम a टू b, ठीक है. सो a से b तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, 125. इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो,
द ड्रॉप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है. सो यू जीरो तो यू मल्टीप्लाइड बाई टी जीरो प्लस हाफ ऑफ, हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो एक्सीलरेशन इज प्लस जी, ठीक है. तो एक्सीलरेशन की जगह पे बिठाएंगे प्लस जी विच इज 10, देन टी स्क्वायर. तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, 5 t naught. थोड़ा ध्यान देके देखना है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ठीक है. सो इम्प्लाइज 125, यहां पे होगा 5 स्क्वायर, यहां पे 5 है और यहां पे 5 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर इज 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट्स 125. सो 125 टी नॉट स्क्वायर, 125 यहां पे 1 है. सो टी नॉट स्क्वायर इज 1, इम्प्लाइज टी नॉट इज रूट ओवर 1, इट इज अगेन 1. सो मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल देते वक्त ऐसे ही 1 सेकेंड बोला था, मुझे नहीं पता था कि आंसर 1 सेकेंड आने वाला है, ठीक है. सो टी नॉट कितना है स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड. इसका मतलब आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ड्रॉप्स निकल रहा है. एक ड्रॉप निकला, 1 सेकेंड गया और एक ड्रॉप निकला, और एक सेकेंड गया और एक ड्रॉप निकला, और एक सेकेंड गया और एक ड्रॉप निकला. समझ में आया स्टूडेंट्स, आया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है. सो आपको दिख रहा है कि मान लेते हैं कि दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है. और मान लेते हैं कि ये आपका दोस्त है जो कि ग्राउंड से 15 मीटर हाइट पे है, ठीक है. और एक बॉल को आपने क्या किया, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर थ्रो किया, ठीक है. सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द टाइम व्हेन द बॉल क्रॉसेस 15 मीटर हाइट, ठीक है. सो बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर नहीं है, आपका दोस्त जहां पे खड़ा है उस पॉइंट का हाइट है 15 मीटर. तो आपने एक बॉल थ्रो किया, वो बॉल ऊपर की ओर आपने थ्रो किया. सो फाइंड आउट द टाइम व्हेन द बॉल क्रॉसेस 15 मीटर हाइट, मतलब आपको वो टाइम निकालना है जब बॉल इस हाइट को क्रॉस करेगा, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं. सो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को दिया हुआ है, बेसिकली यहां से यहां तक इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट. इसको मैं इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं ए, और इसको मैं फाइनल पॉइंट मान रहा हूं बी. सो यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 15 है, ठीक है. सो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं. अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस जी, ठीक है. तो यहां पे मुझे लिखना है तो मैं यहां पे लिखता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव सो एक्सीलरेशन इज माइनस जी, ठीक है. सो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है. क्या निकालना है मुझे, टाइम. डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है. सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट किस और ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट किस और ऊपर की ओर, और अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव लिया हुआ है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है. 15, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट किस और ऊपर, तो अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव सो पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेना है. इनिशियल वेलोसिटी कितना, 20, सो 20 किस और है, ऊपर ही है, तो ऊपर का डायरेक्शन तो पॉजिटिव है. कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब पॉजिटिव लिख रहा हूं. टाइम टी प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन माइनस जी, यानी कि माइनस 10 टी स्क्वायर, ठीक है. इसको थोड़ा ठीक ठाक करता हूं, 2 5s are 10, थोड़ा और काट लिखता हूं, 1 4 3. यस, कोई प्रॉब्लम नहीं. सब एक साइड कर देता हूं, यहां पे माइनस है, माइनस टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर यहां पे 40 है इधर आ जाएगा, माइनस 40 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. टी निकालते हैं. सो टी क्या होगा स्टूडेंट्स, यस इट्स माइनस बी. सो माइनस बी है माइनस 4, तो माइनस ऑफ माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 4 हो जाएगा 4,
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि माइनस फोर स्क्वायर तो हो गया 16, माइनस फोर ए सी तो ए इज वन सी इज थ्री, फोर थ्री आर 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू आई से तो ए तो है 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, सो इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 इज 4, रूट ओवर 4 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि प्लस 2 बिठाऊंगा, प्लस 2 यूज करूंगा, 4 प्लस 2 इज 6, 6 बाई 2 3 सेकेंड, और माइनस 2 यूज करूंगा तो t2 लिख लेता हूँ, 4 माइनस 2 इज 2, 2 बाई 2 इट्स 1 सेकेंड, अरे टाइम तो 2 निकल के आया, दो बार क्रॉस करेगा इस पॉइंट को, यस फ्रेंड, कैसे दो बार क्रॉस करेगा, यहाँ पे देखिए ये जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, तो अभी एक बार क्रॉस कर चुका है कि नहीं, और एक बार रिटर्न आते वक्त क्रॉस करेगा, तो एक बार जाते वक्त क्रॉस किया, इस हाइट को कब क्रॉस करेगा, यही था ना हम लोग का क्वेश्चन, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द बॉल क्रॉसेस 15 मीटर हाइट, तो एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त क्रॉस किया, इसका मतलब जाते वक्त एट 1 सेकेंड होगा और आते वक्त एट 3 सेकेंड होगा, ये 1 सेकेंड में एक बार क्रॉस किया, 3 सेकेंड में एक बार क्रॉस किया, समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स किया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नहीं, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल हाई होना पड़ेगा और कुछ नहीं, उसके बाद आप चाहे तो डिफरेंट बुक से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।